नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसे न्यूज के बारे में जो बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए, अगर आप रिटेल फार्मेसी में प्रैक्टिस कर रहे तो। क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बिजनेस तो करते हैं लेकिन पैसों के मतलब पैसे कमाने में इतने ज्यादा आगे निकल गए होते, उनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं। और इसी की वजह से ये पूरी चीजों को मतलब पूरे सिस्टम को, जैसे फार्मेसी का हमारा एक एसोसिएशन होता है या हम सब फार्मेसिस्ट होते हैं, तो इन सारे लोगों को मतलब जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनके भी काम पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आज की न्यूज ऐसे ही है, एंड तक देखिए वीडियो को। आपके भी स्टोर पे ये चीजें हो सकती है अगर आपने गाइडलाइंस नहीं फॉलो किया तो। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि फार्मेसी के प्रैक्टिस में बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, मेडिसिन कई सारे प्रकार के होते हैं। इसमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक जब भी कोई शुरू करना चाहता है तभी भी एजुकेटेड पर्सन चाहिए, जब कोई डिस्पेंस करना चाहता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, अलग अलग मेडिसिन का जो भी स्टोरेज है उसी के अनुसार उसका स्टोरेज होना चाहिए। ये सारी चीजें मालूम होते हुए भी कई सारे लोग इतनी गलत प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से लाइसेंस सस्पेंड होता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये FDA का बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। ये आज नहीं आया है, कई सालों से पहले से ये रेगुलेशन है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। और अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आपका भी लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है राजस्थान स्टेट के भीलवाड़ा नियर बाय जो मेडिकल स्टोर है उसकी। वहां पे लगभग मतलब इनके एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर ने लगभग 18 मेडिकल स्टोर पे अपनी विजिट दर्ज की, अलग अलग एरिया में अपनी विजिट की। उसके बाद उनको एक्चुअली इससे पहले एक पता चलता है कि कई स्टोर से उसमें कई ज्यादा गलत चीजें चलती है और इसकी वजह से उनकी प्रैक्टिस काफी बढ़ती है। मतलब कुछ लोग हैं जो एक पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर है, 7-8 मेडिकल स्टोर है, वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, और कंटिन्यूसली भीड़ लगे रहती है। और क्वेश्चन वाली बात ये है कि ये इनके पास ना कि पर्ची होती है ना कि कुछ होता है, जाते दवाई लेते लेकिन ये कंटिन्यूसली लेते हैं। अब इसमें पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि ये सारे लोग ड्रग एडिक्ट है। यस, नशे की दवाइयां बेची जा रही है दोस्तों। और वो 8 मेडिकल सस्पेंड किए दिए गए हैं ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा। जब ड्रग इंस्पेक्टर विजिट हुई और जब वो पता चला तब वो इमीडिएटली उस ड्रग्स लाइसेंस जो थे उस स्टोर्स के उसको सस्पेंड किया गया है। और ये आपके लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी है, FDA के रेगुलेशन अगर आपने नहीं पाले या नहीं आपने फॉलो किए तो आपका भी लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। आपको मालूम होगा शेड्यूल X आता है एंड इवन कई सारे शेड्यूल्स है जिसमें विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां नहीं दे सकते। और नशे की दवाइयां तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे एक तो प्रिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन चाहिए, साथ ही वहां पे सप्लाइड बाय का आपको स्टैम्प भी लगाना होता है, डॉक्टर्स का साइन होना चाहिए वहां पे, ठीक है, स्टैम्प के साथ, तभी आप दे सकते, क्योंकि इतनी सारी रिकॉर्ड आपके पास भी होनी चाहिए। लेकिन इन स्टोर्स में लगभग 18 में से 8 स्टोर्स में ये देखा गया विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से सारे ड्रग्स जो नशे के लिए वो ओपनली सेल हो रहे थे। और ये जो कस्टमर्स हैं वो इसी के लिए आ रहे थे, ना कि उनको कोई सर्दी है, ना कि कोई खांसी है, ना कि ओवर द काउंटर कस्टमर है, नहीं, ये सिर्फ नशे की दवाइयां लेने के लिए आ रहे थे। मतलब एज लाइक अ वाइन शॉप जैसे लोग आते हैं, वैसे ही यहाँ पे नशा करने के लिए लोग दवाई लेते थे और यहाँ पे कंटिन्यूअसली दवाइयां दी जा रही थी। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है उन लोगों पे। और एक फार्मासिस्ट की जो इमेज है इन लोगों ने क्या कर दी है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है हम सोसाइटी में, क्योंकि हम हेल्थ के रिलेटेड एक तो काउंसलिंग करते ही है, साथ में डिस्पेंसिंग करते हैं, और बहुत ज्यादा दवाइयां है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, जैसे शेड्यूल H, शेड्यूल H1, शेड्यूल X, ओके, इनमें कई सारे एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स आते हैं, कई सारे अदर भी मेडिसिन आते हैं, ठीक है। तो आपको वो देखना है प्रिस्क्रिप्शन, जब भी आप कोई रीड करते हो जो मेडिसिन है, अगर वो शेड्यूल है तो आपको उसका रिकॉर्ड भी रखना है। वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल नहीं दे सकते। कभी भी आपने दवाई के पीछे देखा होगा टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ओनली, ओके। तो ये इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि डॉक्टर के मतलब
डायग्नोसिस के अनुसार उनको ये जरूरत होगी तभी डॉक्टर लिखते हैं, और डॉक्टर जो लिखते हैं उतनी ही क्वांटिटी में आपको दवाइयां देनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रॉपर एथिक्स गाइडलाइंस फॉलो करनी है। पहली चीज तो आपके पास फार्मासिस्ट होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना ही चाहिए दवाई की दुकान में जब भी सेल होता है। दूसरी चीज, आपकी जो लाइसेंस है वो फ्रंट एंड में दिखने चाहिए। इसके बाद एक्सपायरी का बॉक्स अलग से आपको आपके स्टोर में होना ही चाहिए। साथ में आपके पास शेड्यूल बुक होना चाहिए, जहाँ पे जो भी शेड्यूल मेडिसिन सेल हो रहे हैं उसका सेल परचेज भी होना चाहिए, किसको दिया है, किसके पूरे डिटेल्स, ओके, ये सारे बैच नंबर वाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जो भी मेडिसिन है अंडर स्टोर, जो भी मतलब स्टोरेज में जो मेडिसिन रखे जाते हैं रेफ्रिजरेटर में, वो वही उसी टेम्परेचर में मेंटेन भी होने चाहिए, ओके। दवाइयों का ख्याल भी आपको रखना उतना ही जरूरी है। तो कई सारे रेगुलेशंस है, जब ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करते हैं तब आपको क्या क्या तैयारी करनी है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड की है, वो वीडियो देखिए। ये वीडियो इसी के लिए है क्योंकि अगर कोई लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के ऊपर लग गए तो आप, हम प्रोफेशन जो ये फार्मेसी का है उस पर कितना बड़ा धब्बा लग रहा है, ये बहुत ही मतलब शर्मनाक चीज है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं रेकमेंड करता कि आप किसी को रेंट से लाइसेंस दे, बिल्कुल नहीं देना है। आपकी डिग्री है, ओके, आप उसका सम्मान करें और आप अपने अपना खुद का स्टोर शुरू करें, उसको ग्रो करें, ओके। लेकिन आप अपनी डिग्री ना बेचें किसी को, आपके मतलब लाइसेंसेस रेंट पे ना दें, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। वैसे अगर आपको फार्मेसी स्टोर के बारे में और जानकारी चाहिए, कैसे शुरू कर सकते, कैसे ग्रो कर सकते, हमारी वीडियो है, प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा वर्कशॉप जो 9 डेज का है, जहां पे हम एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं कि मेडिकल स्टोर शुरू कैसे किया जाए, गाइडलाइंस क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, कैसे ड्रग लाइसेंस मिलता है, हम मेडिसिन को किस प्रकार अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए हमें क्या एक्टिविटी, जेन्युइन एक्टिविटी करनी चाहिए, साथ में प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड कर रहे हैं, हर चीज हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसके डिटेल दे दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए, वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कई सारे अपने फार्मेसिस्ट भाइयों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।